हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ फुल पीसी सेटअप जो कि 30,000 के अंदर अंदर होने वाला है। और इस पीसी बिल्ड में अपना पीसी तो होने वाला है, उसके साथ मॉनिटर कीबोर्ड माउस भी इंक्लूड होने वाले हैं। और इस पीसी के अंदर हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं। और इस पीसी में GTA 5 180p एट वेरी हाई सेटिंग पे 50-60 FPS आराम से निकाल के दे देगा। और वैलोरेंट तो बिल्कुल स्मूथली चली जाएगा इसमें। और वॉच डॉग 2, स्लीपिंग डॉग्स, रेजिडेंट एविल 4 जैसे गेम बिल्कुल आराम से चलने वाले हैं। और रही बात सिमुलेटर गेम्स की, जैसे BGMI और फ्री फायर जैसे गेम, वो बिल्कुल आराम से चल जाएंगे। और वीडियो एडिटिंग एंड कोडिंग भी आप आराम से कर सकते हो इस पीसी पे। तो भाई बिल्कुल मस्त वीडियो होने वाली है अपने बजट गेमर भाइयों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और जो ये पीसी होने वाला है ये फ्यूचर के लिए अपग्रेडेबल होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अच्छा खासा प्रोसेसर यूज़ किया है। प्रोसेसर बोल रहा हूँ, मदरबोर्ड यूज़ किया है। अगर तुम फ्यूचर में प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, ये मदरबोर्ड जो है आराम से लोड को झेल लेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सभी कंपोनेंट बताने वाला हूँ कौन कौन से कंपोनेंट हमने इस पीसी में यूज़ किए हैं। तो अपना पहला कंपोनेंट जो होने वाला है वो होने वाला है मदरबोर्ड, जो कि गीगावाइट की तरफ से आने वाला H410M मदरबोर्ड है, जो कि 2 DDR4 रैम स्लॉट के साथ आ जाता है। और ये जो मदरबोर्ड है प्रोसेसर सपोर्ट करता है i3, i5, i7 के 10 जनरेशन तक के प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और इस मदरबोर्ड के अंदर NVMe स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा और सभी नेसेसरी पोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे HDMI वगैरह के और DPI ऑल्सो। तो और ये मदरबोर्ड की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये हमें 5600 के अंदर आराम से मिल जाएगा ऑनलाइन अमेज़ोन पे। तो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जो होने वाला है वो होने वाला है प्रोसेसर, जो कि इंटेल का i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, जो कि 4 कोर्स और 8 थ्रेड के साथ आता है। और इसकी बूस्ट क्लॉक स्पीड जो है वो 4.4 GHz की है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ मैं, 6000 के अंदर आराम से देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन अमेज़ोन पे। तो इस बजट के अंदर ये बेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। अगर आप चाहो तो i7 का 4th जनरेशन भी लगा सकते हो, अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा लो है और 30,000 से भी लो बजट अगर तुम्हारा, तो वो वाला प्रोसेसर लगा सकते हो। बाकी तुम इन दोनों प्रोसेसर के कंपैरिजन स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जो होने वाला है वो होने वाला है ग्राफिक कार्ड, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं RX का 550 ग्राफिक कार्ड, जो कि 4GB VRAM के साथ आ जाता है। और इसमें HDMI पोर्ट एंड DPI पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 6000 के अंदर अंदर तुम्हें ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन इसका प्राइस 6500 से 7000 के बीच में चलता रहता है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप ऑफलाइन ही जाकर बाय करो इस ग्राफिक कार्ड को। और इस बजट के अंदर ये बेस्ट ग्राफिक कार्ड है, हमें 180p पे आराम से 60-50 FPS निकाल के दे देगा GTA 5 के अंदर। बाकी वैलोरेंट जैसे गेम, जैसे मैंने इंट्रो में बता ही दिया, आराम से चलने वाले हैं स्मूथली। तो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जो होने वाला है वो होने वाली है अपनी रैम, जो कि XPG की तरफ से आने वाली DDR4 रैम है। हम 8GB यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ एक स्टिक, अगर तुम फ्यूचर में चाहो तो एक और स्टिक ले सकते हो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3200 MHz होने वाली है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 1600 के अंदर आराम से मिल जाएगी। तो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जो होने वाला है वो होने वाली है अपनी SSD, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं जैबरोनी की तरफ से आने वाली NVMe, जो कि 256GB की है। और इसका प्राइस जो है वो 1400 है अमेजोन के ऊपर। और इन सभी कंपोनेंट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम एक बार चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जो होने वाला है वो होने वाली अपनी पावर सप्लाई, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली 450W की Bronze Certified पावर सप्लाई है ये, जो कि 3000 के अंदर आती है। इस पर हमने अच्छा खासा पैसा यूज़ किया है, क्योंकि पावर सप्लाई मेन होती है, यही अपने सभी कंपोनेंट को रन करती है। तो पावर सप्लाई एटलीस्ट 80+ Bronze Certified तो ले ही लेना। तो अपना लास्ट कंपोनेंट जो होने वाला है वो होने वाला है अपना कैबिनेट, जो कि आप अपनी पसंद का ले सकते हो। 1500 से 2000 के अंदर अंदर RGB कैबिनेट आराम से मिल जाता है। मैं तुम्हें 2-3 कैबिनेट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम वहाँ से बाय कर लेना अगर आपको पसंद आए तो। तो अपना PC बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस अभी मॉनिटर और कीबोर्ड माउस रह चुके हैं। तो हम जो मॉनिटर यूज़ करने वाले हैं वो MSI की तरफ से आने वाला 21 इंच का मॉनिटर है ये, फुल HD LCD मॉनिटर, जो कि 100Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है।
और इसमें HDMI पोर्ट, DPI पोर्ट एंड VGA पोर्ट तीनों देखने को मिल जाते हैं। तो बेस्ट वंडर है गेमिंग के लिए बजट के अंदर, क्योंकि 100Hz का रिफ्रेश रेट आता है और फुल HD मोनिटर है, तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो इस मोनिटर को। तो कीबोर्ड माउस जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड माउस यूज़ करने वाले हैं, जो कि कॉम्बो के साथ आते हैं। तो इनका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर लेना। तो ये पीसी बिल्ड जो है 30,000 के अंदर अंदर अपना पूरा पीसी बिल्ड हो चुका है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और मुझे ये बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, थोड़ा मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।